हेलो एवरीवन वेलकम टू जैक एंड अकेडमी द इनफिनिट नॉलेज हब प्लीज वॉच वीडियो टिल द एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर इट इफ यू फाइंड इट यूजफुल काइंडली सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट नमस्कार मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा प्रथम का अध्याय चार पत्ते ही पत्ते इस कहा इस कहानी में हम आज पत्तों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कई तरह के पत्ते होते हैं जैसे कुछ पत्ते लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं हर एक तो, हर एक पत्तों के आकार के बारे में पढ़ेंगे उनके आकार के बारे में पढ़ेंगे कुछ पत्ते के रंगों के बारे में पढ़ेंगे तो आज सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले पत्ते ही पत्ते उसका हम क्या पढ़ेंगे सारांश पढ़ेंगे फिर हम इस कहानी को पढ़ेंगे ठीक है तो इस कहानी का सारांश है इस कहानी की सबसे पहले लेखिका है वर्षा सहस बुद्धे लेखिका ने ये पोयम लिखी है इस कहानी में बहुत सारे पत्तों के बारे में बताया गया है उनके आकार के बारे में बताया गया है उनके रंगों के बारे में बताया गया है और उनके और उनकी बनावट के बारे में बताया गया है ठीक है ये कहानी मौज मस्ती का खेल खेलते बच्चे और उनकी दीदी की है इस कहानी में बच्चे खेल खेलते हैं और उनकी एक दीदी होती है उनकी कहानी पर ये कहानी है लेक प्रस लेक सॉरी खेल प्रारंभ होता है दीदी बच्चों से कहती है कि मैं पाँच तक गिनती करूँगी और तुम लोग एक एक करके गोला बनाकर बैठ जाओगे तो वो बच्चे और जो दीदी होते हैं वो खेल खेलते हैं कि दीदी बोलती है कि मैं पांच तक गिनूंगी एक दो तीन चार पांच और तुम्हें जल्दी जल्दी क्या करना है एक एक करके गोला बनाकर बैठ जाना है ठीक है दीदी की गिनती पूरी करते ही सभी गोला बनाकर बैठ गए आज दीदी पत्ते लेकर आई थी आज दीदी क्या लेकर आई थी पत्ते लेकर आई थी आप सबने पत्ते देखे होंगे पेड़ों की डहनियों पर लगे हुए होते हैं तो आज दीदी क्या लेकर आई थी पत्ते लेकर आई थी और बच्चों को उनके बारे में जानकारी देना चाहती थी दीदी ही दीदी क्या चाहती थी कि खेल खेल में ही मैं बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा दूँ तो दीदी खेल भी खिला रही थी और साथ में बच्चों को पत्तों के बारे में जानकारी देना चाहती थी ठीक है दीदी अपने साथ तरह तरह के पत्ते लेकर आई थी कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ कुछ गोल थे कुछ पत्ते लंबे थे कुछ पत्ते गोल और कुछ कट कुछ छोटे थे तो और कुछ पत्ते कैसे थे बड़े थे कुछ पत्ते लंबे थे कुछ गोल थे कुछ आकार में छोटे थे और कुछ बड़े थे एक पत्ता लाल था एक, एक पीला था और एक कत्ताई रंग का था एक पत्ते पर नसें दिख रही थी नसें मतलब नाड़ी नाड़ी पत्ते पर आप देखते होंगे कि बीच में लाइन होती है और साइड में भी ऐसे ऐसे लाइन होती है नाड़ी जैसे ठीक है एक पत्ता कतरीला था डिजाइन थी उसकी साइड से वो कटा हुआ था ठीक है क्या बनी हुई थी कतरीला था ठीक है एक पत्ते का डंटल एकदम सीधा था डंटल मतलब क्या होता है पौधे की जो शाखा होती है उसका जो ओ, सीधा वाला जो भाग होता है उसको जो बोलते हैं डंटल ठीक है एक पत्ते का डंटल एकदम सीधा था तो एक पत्ता झालर वाला था अब कुछ पत्तों कुछ पेड़ पौधों पर आपने देखी होगी पत्तियाँ डिजाइन वाली होती है झालर वाली होती है तो वैसा एक पत्ता था जालर वाला ठीक है बच्चों ने सब पत्तों को छू देखा तो कहीं पत्ते एक तरफ से मुलायम थे तो कहीं दूसरी तरफ से खुरदरे थे कुछ पत्ते बंदनवार जैसे लग रहे थे ठीक है तो पत्तों के बारे में ये कहानी है जिसमें दीदी बच्चों को खेल खेल में बच्चों को कुछ जानकारी देना चाहती है तो आज दीदी ने बच दीदी ने बच्चों को क्या सिखाने के बारे में सोचा कि आज मैं इन बच्चों को खेल खेल में कहीं पत्तों के बारे में जानकारी दे दूँ तो दीदी बहुत सारे पत्ते लेके आई थी अपने साथ कुछ पत्ते छोटे लेके आई थी कुछ बड़े लाई थी कुछ अलग अलग रंगों के लाई थी लाल थे पीले थे कतरीले थे कुछ पत्तों पर डिज़ाइन थी किसी का डेंटल सीधा था तो इस तरीके से दीदी ने खेल खेल में बच्चों को पत्तों के बारे में जानकारी दी अब हम इस कहानी को आगे पढ़ेंगे ठीक है पत्ते ही पत्ते कहानी सारांश हमारा हो गया है अब ये कहानी है और यहाँ पे देखो ये रे बच्चे और दीदी ठीक है तो दीदी बोली मैं पांच तक गिनूंगी दीदी क्या बोल रही है कि मैं पांच तक गिनूंगी गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ गिनती शुरू करने से पहले जैसे ही मैं गिनती शुरू करूंगी उससे पहले ही तुम्हें गोला बनाकर क्या करना है बैठना है एक दो तीन चार पाँच बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई ठीक है तो दीदी यहाँ पे क्या कह रही है बच्चों को कि मैं पाँच तक गिनूंगी आप सबको गोला बनाकर बैठना है ठीक है कैसे बैठना है गोला बनाकर यहाँ पर आपकी गिनती आई है हिंदी में एक दो तीन चार पाँच ये हिंदी की गिनती है ठीक है धड़ाम मतलब ज़ोर से बैठ जाना दौड़ कर आई ठीक है अगला करते हैं अगला यहाँ पर है इधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए ये देखो जैसे ही दीदी ने गिनती पूरी की सारे बच्चे यहाँ पर गोला बनाकर बैठ गए आज दीदी पत्ते लेकर आई थी ये देखिए दीदी आज क्या लाई थी अलग अलग पत्ते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भी पत्ता एक जैसा नहीं है कुछ पत्ता कुछ पत्ते यहाँ पे लंबे हैं तो कुछ गोल है कुछ कुछ पर झालर बनी हुई है तो कुछ कटे हुए हैं सब पत्तों का यहाँ पे आकार अलग है और यहाँ पे कुछ पत्ते क्या देखो ये इस पत्ते को देखो ये कैसा है कतरीलाए तो आज दीदी पत्ते लेकर आई थी ये देखो इतने सारे पत्ते लाई थी कितने सारे पत्ते तरह तरह के पत्ते सारे अलग सारे अलग पत्ते हैं और सारे अलग अलग है और सारे का आकार अलग है और रंग भी अलग अलग है ठीक है तो आगे पढ़ते देखो ये इतने सारे पत्ते यहाँ पे देखो इनका रंग भी अलग है कुछ पूरे हरे हैं तो कुछ हरे हल्के हैं कुछ पीले हैं तो कुछ कत्थई रंग के हैं तो इस तरीके से दीदी देखो इतने सारे पत्ते लेके आई ये देखो यहाँ पे ये कत्थई नहीं ये देखो इसकी इस पत्ती के साइड में देखिए डिज़ाइन बनी हुई है ये अलग आकार का है तो इस तरीके से दीदी इतने सारे पत्ते अपने साथ लाए हमने पत्तों को अच्छे से देखा बच्चों ने क्या किया पत्तों को अच्छे से देखा कुछ पत्ते क्या थे लंबे थे ये देखिए ये पत्ते कुछ क्या है यहाँ पर लंबे हैं तो कुछ गोल है ये देखो ये पत्ता कैसा है गोल है ये भी गोल आकार का लग रहा है और कुछ छोटे बड़े कुछ छोटे बड़े भी थे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसी पत्तियाँ है इस पौधे की छोटी छोटी पत्तियाँ कुछ छोटे कुछ बड़े और लाल एक पत्ता पीला और एक कतई रंग का कतई भी एक रंग है कत्ते कत्ता ठीक है लाल पीला यहाँ पे पी, इस कविता में आपके इस कहानी में आपके गिनती भी आई है प्लस रंगों के नाम भी आए तो आपको वो भी आने चाहिए आपको रंगों की पहचान होनी चाहिए साथ ही साथ आपको गिनती भी आनी चाहिए हिंदी में ठीक है एक पत्ते पर नशे दिख रही थी ये देखो आप पत्तों को अच्छे से देखिए ये क्या है बीच में जो आपको दिख रही है ना इन पर डिजाइन ये क्या है नशे ठीक है तुम एक पत्ते पर नशे दिख रही थी एक पत्ता कतरीला था ये देखिए कतरीले पत्ते ठीक है एक पत्ता कैसा था कतरीला अंडरलाइन रेखांकित uh, कर देते हैं इस शब्द को एक पत्ते का डंटल सीधा ये जो पौधा होता है पौधे की जो शाखा होती है उसको बोलते हैं डंटल क्या था एकदम सीधा था एक पत्ता जालर वाला था कुछ पत्तों को आपने देखा होगा कि साइड में क्या होती है डिजाइन होती है तो इसलिए उसको बोला गया है कि जालर वाला था हमने पत्तों को छूकर देखा कहीं पत्ते एक तरफ से मुलायम थे मुलायम मतलब क्या होता है कोमल तो दूसरी तरफ खुरदरे खुरदरे मतलब मुलायम नहीं होते हैं उनको बोलते हैं खुरदरे ठीक है मुलायम मतलब कोमल तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे यानी कि बंधन जैसे जैसे हम घर के आगे लगाते हैं ना सजावट के लिए तो ये देखो कैसा लग रहा है बंधन जैसा लग रहा है तो कुछ पत्ते बंधन जैसे लग रहे थे तो इस तरीके से दीदी ने बच्चों को कहानी बताई कहानी सुनाई पत्तों के बारे में अब हम क्या करेंगे इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ेंगे और कुछ कठिन शब्दों को यहाँ पर हम क्या करेंगे रेखांकित करेंगे ठीक है क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे नए शब्द आए जैसे कतरीला कत्तई ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे पढ़ते हैं और इनका मतलब क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले इस कविता में गिनती आप सबको आनी चाहिए एक से बीस तक गिनती आप सबको हिंदी में आनी चाहिए ठीक है तो एक दो तीन चार पाँच दीदी ने यहाँ पे पाँच तक गिनती सिखाई है लेकिन हम कहाँ तक सीखेंगे बेस तक सीखेंगे ठीक है तो ये गिनती है धड़ाम से मतलब जोर से बैठ जाना दौड़ कर देखिए ये बच्चे यहाँ पे दौड़ कर आ रहे हैं और कुछ कठिन शब्द है यहाँ पे गिनती गोला पत्ते ठीक है तरह तरह के मतलब होता है अलग अलग तरह तरह मतलब क्या होता है अलग अलग तरह तरह मतलब, मतलब, मतलब अलग अलग, तरा -तरा मतलब अलग, -अलग। ठीक है फिर है अच्छे से देखा अच्छे से देखा लंबे जिसकी लंबाई ज्यादा है वो लंबे होते हैं गोल रेखांकित कर लीजिए आप भी छोटे आकार में छोटे बड़े हैं सारे पत्ते यहाँ पे लाल रंग आप सबको पता होगा लाल रंग कैसा होता है पता है आप सबको लाल रंग तो यहाँ पे रंगों के भी नाम आए हैं आपको रंगों की पहचान होनी चाहिए पीला कत्तई मतलब होता है कत्ते रंग का ठीक है और पत्ते की नशे नशे मतलब होती है नाड़ी ठीक है तो वो पौधों की वैसे पत्तियों की नाड़ी नहीं थी नशे थी तो बस नाड़ी ऐसे बोला गया है कि यहाँ पे एक पत्तों पर नशे दिख रही थी बच्चों को तो क्या पता वो डिजाइन थी तो बच्चों को क्या बोल रहे थे कि एक पत्ते पर नशे दिख रही थी ठीक है तो नशे मतलब होता है नाड़ी फिर है डंटल मैंने बताया कि पौधों की जो शाखा होती है उसकी जो बीच जो सीधी लाइन होती है ना उसको बोलते हैं डंटल ठीक है पत्ता जालर वाला यहाँ पे डिजाइन बताया गया है पत्तों पर जो डिजाइन होती है जालर बंदरवार जैसी यहाँ पे जैसे बताया बंदरवार जैसी जालर तो वो एक डिजाइन है छूकर मतलब छूना छूना ठीक है मुलायम कोमल खुरदरा मतलब खुरदरा मतलब मुलायम नहीं होता है खुरदरा मतलब आ, आ, जब हम उसको टच जब हम उसको हाथ से छुकर देखते हैं तो वो छुपने जैसा होता है तो वो क्या होता है खुरदरा होता है ठीक है बंदरवार बंदरमाला ठीक है तो ये आपकी कहानी थी छोट छोटी सी कहानी थी जिसमें दीदी ने बच्चों को खेल, खेल में कहीं पत्तों के बारे में बताया उनके रंगों के बारे में बताया उनके आकार के बारे में बताया अब आपको भी क्या करना है इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है और क्या करना है साथ में इस कहानी में आपकी गिनती आई है तो आपको गिनती एक से दस तक तो आनी ही चाहिए बोलनी और लिखनी दोनों और फिर हम उसके बाद आगे भी सीखेंगे और इस कवि इस कहानी में दीदी ने रंगों के बारे में भी जानकारी दी है तो आपको क्या करना है रंगों की पहचान होनी चाहिए और रंगों के नाम भी आने चाहिए तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद thank you for watching the video follow us on facebook instagram twitter and linkedin as jack and jill academy for more information you can also download jack and jill academy's app from play store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level competitive exams like ntsc nda clat jee NEET, and multi-activities like yoga art and craft dance music Self-defense and many more.